बहुत डिमांड के बाद आज हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सोए पल्प का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं 2 बड़े चम्मच सोए पल्प के। अब सोए पल्प है क्या? सोए पल्प को ओकारा भी कहते हैं। जब भी हम सोए पनीर बनाते हैं या सोए मिल्क बनाते हैं, उसमें ये फाइबर बच जाता है। सोए पल्प उतना ही न्यूट्रिशियस होता है जितना कि सोए पनीर या सोए मिल्क। इनफैक्ट ये उससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि इसका जो फाइबर कंटेंट है वो काफ़ी हाई है। 2 चम्मच सोए पल्प के साथ ले रहे हैं हम 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच या तो चावल का आटा या सूजी। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इसमें फ्रेश धनिया, 1 छोटा कटा प्याज और 2-3 हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब इसे थोड़े से पानी के साथ घोल लेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि घोल बहुत पतला ना बने। तो चलिए अब चीला बनाते हैं। मैंने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। आप चाहें तो तवे की जगह कोई भी नॉनस्टिक पैन इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं पर्सनली नॉनस्टिक पैन इस्तेमाल नहीं करती। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक ऐसा हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो क्रैक होकर खाने में मिलकर आपकी बॉडी में चला जाता है और आपको हार्म पहुँचाता है। इसीलिए हमारे बड़े हमें कहते थे कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि वो आजकल प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए आप स्टेनलेस स्टील या फिर कास्ट आयरन के बर्तनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवा गर्म होने पर उस पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। 2 चम्मच तैयार किया हुआ बैटर डालेंगे। और उसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। चीला बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि उसे हाई सेक पर ना बनाएं, अदरवाइज वो बाहर से तो पक जाएगा पर अंदर से कच्चा रहेगा। ये चीला हो गया है तैयार। और अगर आज की रेसिपी में जो ओकारा आप यूज कर रहे हैं वो टोफू बनाते हुए बच गया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि टोफू और जो ये चीले हमने तैयार किए हैं उससे एक जीरो वेस्ट प्रोटीन पैक्ड रेसिपी आप कैसे बना सकते हैं। हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। उसके बाद डालेंगे हम 1 चम्मच जीरे का, 1 कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची और उसके बाद हम डालेंगे टोफू, थोड़ा सा नमक, अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और चुटकी भर गरम मसाला। आप सूखा धनिया भी डाल सकते हैं या फिर सूखी जो कसूरी मेथी होती है वो भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को इकट्ठे 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लीजिए। जब सोए पनीर का मिक्सचर अच्छी तरह से भुन जाए तो उसमें 1/2 नींबू का रस डाल लीजिए। ये सोए पनीर मिक्सचर हो गया है तैयार। सबसे पहले हम लेंगे एक चीला, उस पर डालेंगे हम 1 चम्मच तैयार किया हुआ सोए पनीर और उसके बाद अपनी मनपसंद केचप या कोई भी सॉस और इसको कर लेंगे हम रोल। ये हेल्दी रेसिपी छोटे से लेके बड़ों तक हर किसी को पसंद आएगी। अगर आप आने वाले टाइम में जानना चाहते हैं कि ओकारा से और क्या बन सकता है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसका एड्रेस है youtube.com/peoplefarmproducts।